इसका पावर सिस्टम है, थोड़ा सा आने समझना, मैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ से आपको सारा समझ आ जाएगा। बैटरी का तो सबको पता है, ठीक है, ये बैटरी का एक हमने ग्राउंड किया हुआ, ये भी पता है सबको, ये पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाया हुआ सीरीज है, ये पॉजिटिव आगे से मेन जा रहा है, ये पॉजिटिव सबसे पहले कहाँ जाता है, ये मेन स्विच में आ जाता है, ठीक है जी। इस मेन स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो हमारा ये पिछला फ्यूज बॉक्स है, ठीक है, पिछला फ्यूज बॉक्स है, इस फ्यूज बॉक्स के मुख्य टर्मिनल के नीचे नंबर लिखे हुए T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 पर टर्मिनल लिखे हुए, नंबर लिखे हुए इसके। अब होता क्या है, यहाँ से बैटरी का मेन करंट इसमें आया है, T1 से दाखिल हो जाता है अंदर फ्यूज बॉक्स, T1 से अंदर जाता है, T1 से अंदर जाके इसके अंदर एक प्रिंट सर्किट बना हुआ है, PCB से कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसमें T1 से इन होता है और T2 से आउट हो जाता है, कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ T1 से इन हुआ है और T2 से आउट हो गया है, लेकिन T2 में 40 एम्पीयर का फ्यूज लगाया हुआ है, 40 एम्पीयर के फ्यूज से यहाँ ये T2 है हमारे पास, यहाँ से वो आउट हो जाता है, बैटरी का मेन करंट इसमें आया T1 से T2 में गया, T2 में 40 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है, वहां से आउट हो गया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यहाँ से ये करंट की चार नंबर वायर है, क्योंकि बैटरी का मेन करंट है, ये चार नंबर वायर है, ये चार नंबर वायर से होता हुआ सीधा हमारे पास ये ड्राइवर के पास एक छोटा एक्सिलरी फ्यूज बॉक्स लगा होता है, उसमें आ जाता है, ये देखें इस पॉइंट पे। अब ये चार और चार ए का मतलब ये है कि मेन तो चार नंबर तार ही है, उसको आगे हमने मजीद डिवाइड किया है एक ब्रांच में जो 4A है, इसमें आ गया। उसके बाद जैसे ही इसमें करंट आता है, ये जितने भी इसमें फ्यूज लगे हैं सब में करंट आ जाता है, और वो सब फ्यूज जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम्स के हैं, वो कौन कौन से सिस्टम है, मिसाल के तौर पे F1 जो है 7.5 एम्पीयर के, वो इंस्ट्रूमेंट पैनल को करंट चला देता है। फिर इसी तरह एक लैब में आपको बताना भूल गया था, गाड़ी का सिर्फ बैटरी की मेन पावर ऑन है और कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो जो इंजन के ऊपर वर्किंग लैंप लगा हुआ है उसको भी मेन करंट जाता है, गाड़ी का और कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो लैंप चल रहा होता है, उस लैंप का फ्यूज जो है, क्योंकि उसको बैटरी की पावर मिल रही होती है, उसका फ्यूज इस फ्यूज बॉक्स में। उसके बाद ऑडियो वीडियो सिस्टम, ये मुख्तलिफ बसों में मुख्तलिफ होता है। फिर पावर स्विच, इसका जो डैशबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है पावर स्विच, रॉकर स्विच जो लगा हुआ है, उसको भी करंट यहाँ से जाता है 5 एम्पीयर का। फिर F5 जो है वो सर्विस डोर रिमोट कंट्रोलर किट, इसकी उसको करंट यहाँ से चला जाता है, अगर किसी बस में एमरजेंसी पावर सप्लाई हो तो उसको फ्यूज उसको यहाँ से करंट चला जाता है। इसी तरह ये DVR का फ्यूज है F7, एमरजेंसी लाइट वो छत पे पास कर लगी होती है रेड कलर, उसको करंट चला जाता है। ABS का जो ECU है उसको करंट डायरेक्ट यहाँ से चला जाता है बैटरी, जैसे ही बैटरी की मेन पावर ऑन की उसको करंट चला गया। TKS या फायर बम, जैसे ही बैटरी की मेन पावर ऑन करते हैं जो फायर एक्सटेंशन ऑन करने वाला बटन है उसको भी करंट परमानेंट चला जाता है, उसकी लाइट भी ऑन हो जाती है उसी टाइम पर। फिर ये हाइड्रोलिक रिटार्डर के या किसी और मॉडल मुख्तलिफ मॉडल में ये मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब वो सिस्टम है, जैसे ही आप ड्राइवर बैटरी की मेन आपने ऑन की तो इस फ्यूज बॉक्स में चार नंबर तार से इधर आया करंट, इधर आने के बाद यहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं सिस्टम की जो मैं आपको बताए इन सबको करंट यहाँ से आउट हो जाता है, इन फ्यूजों से हो गया। अब उसमें से एक जो है यहाँ से पॉइंट है, इस पॉइंट से होके एक करंट जाता है सीधा कहाँ पे जाता है जी, हमारे 148 नंबर तार है, ये पावर स्विच को आ जाता है जो डैशबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट सीधा हमारे पिछले फ्यूज बॉक्स में आता है इस पॉइंट पे, ये इस फ्यूज बॉक्स को इसके साथ वाला जो पॉइंट है यहाँ से परमानेंट अर्थ आ रहा है, मुसलसल हम अर्थ भी दे रहे हैं, ये देखें ये पॉइंट है, इसको हम मुसलसल यहाँ से ये हमने ग्राउंड किया हुआ, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड आप किया,
अब इस फ्यूज बॉक्स को एक तो हमारे पास ग्राउंड मिल गया, ग्राउंड परमानेंट आ रहा है, और जैसे ही ड्राइवर ने ये वाला स्विच ऑन किया 149 नंबर तार से करंट इस फ्यूज बॉक्स में आया, तो ये वाली रिले जो है बड़ी रिले ये काम करना शुरू कर देती है। जब ये रिले काम करना शुरू करती है तो ये जितने भी इसके टर्मिनल हैं आउट जितने भी हो रहे हैं सब में करंट आ जाता है। उसमें से एक पॉइंट है T8 आठवां नंबर पॉइंट, और T8 जो है उसमें 100 एम्पीयर का फ्यूज हमने लगाया हुआ है, उस 100 एम्पीयर के फ्यूज में से करंट हो के T8 से आउट होता है और होते होते फ्रंट फ्यूज बॉक्स में आ जाता है। अब फ्रंट फ्यूज बॉक्स में जहां जहां पे जितने फ्यूज लगे हुए हैं सब में करंट यहाँ पे आ चुके हैं, उसमें इग्निशन स्विच का भी फ्यूज है, अब इग्निशन स्विच भी आपका काम करना शुरू कर देगा। इस तरीके से पावर इसकी ट्रेवल करती है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये 100 एम्पीयर का ये फ्यूज लगा हुआ है। किसका जी? 100 एम्पीयर का फ्यूज लगा हुआ है जी। आपने कहा 24 वोल्ट का 100 एम्पीयर का लगा हो तो उसमें फ्यूज लगाना होता है। देखिए मैं वाट की बात कर रहा था, वाट। अच्छा, मतलब आप 100 वाट की लाइट ले आए हैं, आपने देखना है कि कितने एम्पीयर का फ्यूज लगाना है, तो कितने वाट है ना उसको 24, अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है 24 से तकसीम कर दें उतने एम्पीयर आ जाएंगे आपके पास। वो ये चीज। अब यहाँ पे इस फ्यूज बॉक्स में करंट आ गया। यूटॉप में एक और चीज़ आपने देखी होगी, गाड़ी स्टार्ट है ये चल रही है, उस टाइम पे अगर ड्राइवर जो है उस टाइम पे अगर ड्राइवर गाड़ी का ये जो पावर स्विच है रॉकर स्विच अगर बंद कर देता है तो गाड़ी बंद नहीं होती, गाड़ी बंद हो जाती है कि नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती। असूलन हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए ना, क्या नहीं होनी चाहिए? हो जानी चाहिए। अगर आप ये बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो इसके पीछे मेन रिले है उसका करंट खत्म कर रहे हैं। अगर इसका करंट खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका फ्रंट फ्यूज बॉक्स का करंट भी खत्म हो रहा है। अगर फ्रंट फ्यूज बॉक्स का करंट खत्म हो रहा है तो इग्निशन स्विच का करंट भी खत्म हो रहा है, इग्निशन स्विच का करंट खत्म हो रहा है तो फ्लेम आउट का करंट भी खत्म हो रहा है, फ्लेम आउट का करंट खत्म हो रहा है तो ईसीयू को बंद हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता कि इसमें सेफ्टी सिस्टम लगाया गया है। सेफ्टी सिस्टम क्या है कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ये ईसीयू की बैक साइड है, ये ईसीयू की ये फ्रंट फ्यूज बॉक्स की बैक साइड है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके फ्रंट फ्यूज बॉक्स की जो बैक साइड है उसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ जाके नंबर, ये क्यू पी ये सब नंबर लिखे हैं। एक ये क्यू वाला पॉइंट है, क्यू पॉइंट का ये 9, 10, 11 पॉइंट यहाँ से, और इसी तरह ये पॉइंट भी आपस में मिल रहे हैं एम का चौथा M4 और Q11, यहाँ से एक परमानेंट करंट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और वो परमानेंट करंट जो है वो कहाँ जाता है, हम उसको ये जो 149 नंबर तार है इस बटन के बाद उसको दे देते हैं वो परमानेंट करंट, यानी कि इस स्विच को हम बाईपास कर देते हैं। अब उसको करंट मिलना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ड्राइवर ये वाला स्विच को छेड़ता भी रहेगा तो उसको परमानेंट करंट मिल रहा है, वो कब तक मिल रहा है, जब तक ड्राइवर इग्निशन स्विच नहीं उसको ऑफ करता। जब इग्निशन स्विच ऑफ करेगा तो फिर ये वाला करंट खत्म होगा, जब ये वाला करंट खत्म होगा फिर ये रिले बंद होगी। हाँ, अगर बस का इस तरह करते हैं लोगों ने बाईपास डाले होते हैं उस सूरत में क्या होता है, कुछ जल्दी गाड़ी को भी आप उसको करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये इसका एक सेफ्टी सिस्टम लगाया है। यहाँ तक क्लियर है सर? तो सर जी गाड़ी स्टार्ट है जी, हम जो मेन पावर इसकी बंद नहीं करते हैं, बैटरी वाली नहीं, वो दूसरी जो बटन डैशबोर्ड वाली वो बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट रहेगी, उसका नुकसान क्या है? वो यही तो बता रहा हूँ, ये सेफ्टी लगाएंगे, ये स्विच का जो करंट है ना, जो आप ये स्विच से करंट आप देंगे मेन कॉइल को ऑन करवा रहे थे, हमने इस स्विच के बाद में बाईपास डाल के उसको करंट दे दिया उस कंडीशन में जब गाड़ी स्टार्ट है। इग्निशन आप बंद भी कर, ये वाला स्विच बंद भी कर देंगे तो गाड़ी स्टार्ट रहेगी, ये उस टाइम पे गाड़ी बंद होगी ज
जब आप उसको इग्निशन ऑफ करोगे रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये तो सेफ्टी उन्होंने लगाई है सर। जो इसकी बैटरी बॉक्स में करने की वजह से ये करंट ज्यादा भी तेज भी निकल जाता है, हो जाता है जो का नहीं होता, कोई काम का नहीं होता, डेमो का होता है, डेमो का जनरेटर के साथ सेफ्टी है, जनरेटर के साथ सेफ्टी है, जनरेटर से ठीक इसमें इस तरह नहीं। सर इसकी बैटरी बॉक्स में जो मेन पावर लगी हुई है बंद करने के लिए, गाड़ी स्टार्ट हो उसे भी बंद कर दें, गाड़ी नहीं बंद होती उसको बंद कर दें तो उसे बंद कर दें ना, गाड़ी नहीं बंद होती, वो असल में जनरेटर से वो करंट जो है ना वो जनरेटर पे हो जाता है। ठीक है, वो गलत चीज है, आपने फॉरवर्ड गाड़ी काम करके वो जनरेटर को खत्म करना होता है, जनरेटर क्योंकि वो सारा लोड जनरेटर पे चला जाता है। जी बिल्कुल, कट ऑफ हो जाती है बीच में। जी उसमें जनरेटर का रेगुलेटर जो है उसका वो फुल कैपेसिटी से उसको करंट देता है जितनी उसकी जरूरत है उसके मुताबिक। सर बैटरी जो है वो थोड़ा सा बैटरी के बारे में बताता हूँ, मिस हो गया, बैटरी की क्या क्या फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन ये भी है कि बैटरी वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर भी काम करती है, बैटरी वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर भी काम करती है। अभी आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बताते हैं, मैं जरा वो तैयार कर दूँगा सिस्टम।